हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शाहीन बाग को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इसी क्रम में प्रवेश वर्मा ने आज कह दिया कि शाहीन बाग को राजनीतिक मुद्दा अरविंद केजरीवाल बना रहे हैं। क्या कहा प्रवेश वर्मा ने, जरा सुनिए आप। क्या दिल्ली का चुनाव अपने मुख्य मुद्दे से भटक गया है? क्या शाहीन बाग ही बन गया है सबसे बड़ा मुद्दा? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। प्रवेश, जो कि स्टार कैंपेनर भी थे बीजेपी के, लेकिन चुनाव आयोग ने इनको उस लिस्ट से निकालने का आदेश दे दिया। प्रवेश, आप स्टार कैंपेनर थे, आपको चुनाव आयोग ने निकालने का आदेश दे दिया। सवाल यह है कि क्या जो मुख्य मुद्दा है दिल्ली चुनावों का, वो बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, उन सबसे हट करके शाहीन बाग बन गया क्या? नहीं, ये भटकाने का जो प्रयास किया ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया। जिस दिन उन्होंने कहा मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूँ, जिस दिन दिल्ली के डीए डिप्टी सीएम ये कहते हैं मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूँ, मैं जेएनयू के साथ खड़ा हूँ, उनको केवल 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 और केवल पानी बिजली के ऊपर ही बोलना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ही बोलना चाहिए। और कई बार हमारे गृह मंत्री जी ने उनको कहा कि आप क्यों नहीं ये सारे विकास के मुद्दों पर, 5 साल जो आपने काम किया, आप उसके ऊपर में क्यों नहीं बहस करते प्रवेश वर्मा से, तो वो क्यों नहीं आते सामने बहस? अगर उन्होंने काम किया है तो उनको बहस करनी चाहिए। अगर उन्होंने काम किया है तो मैं उस बात को कैसे नकार पाऊंगा? तो वो बहस करने से क्यों भाग रहे हैं? दिल्ली की जनता को एक बार दिखा दें कि उन्होंने जो काम किया है वो दिल्ली की जनता के सामने लेके आए। मगर मैं भी यही कह रहा हूँ बार बार, दिल्ली को विकास के नाम पर ही वोट डालना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी राजनीति का हिस्सा नहीं है। अभी हमने दिल्ली को, हम कल को रहे ना रहे, दिल्ली हमेशा रहेगी, भारत हमेशा रहेगा। इसलिए अगर दिल्ली के लोगों ने अपने हाथ से कोई विकास को छुआ है, अपनी आंखों से देखा है, कोई उन्होंने नया फ्लाईओवर देखा है जिसका शिलान्यास केजरीवाल ने किया हो, कोई नया अस्पताल देखा हो, कोई नया कॉलेज देखा हो, तो आप उनको वोट दीजिए। अगर आपने नहीं देखा तो हमें वोट दीजिए। लेकिन जो है, फिर भी अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ जनता के बीच में उस तरह से क्यों नहीं जाती है? क्यों जो है सिर्फ शाहीन बाग एक सबसे बड़ा मुद्दा बन के सामने आ जाता है? क्योंकि मीडिया केवल शाहीन बाग दिखाती है, मीडिया ये विकास का कोई भी चीज़ नहीं दिखा रही है। मैं अभी मटियाला के स्कूल में गया, मैंने वहाँ पर देखा कि 1000 बच्चा एक ऐसी दिल्ली सरकार की बिल्डिंग में पढ़ रहा है जिस बिल्डिंग को 4 महीना पहले दिल्ली सरकार ने ही कहा कि ये डेंजरस है और कभी भी गिर सकती है। वहाँ पे जो स्कूल के मैनेजर थे, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, सरकारी नौकरी पे नहीं है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, मिस्टर दुबे वहाँ पे 2.5 साल से नौकरी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार अपने कार्यकर्ता को वहाँ पे नौकरी करने के लिए 25,000 रुपये महीना देती है। आपने जिस स्कूल का जिक्र किया, चलिए पहले मैं उस पर आता हूँ, बाद में शाहीन बाग पर। आपने कहा कि मीडिया ऐसा दिखाती है, हम उस पर भी आएंगे। जिस स्कूल का आपने जिक्र किया वहाँ पर हमारी हुई टीम पहुँची है, तो आपने जो कहा था कि बिल्डिंग ऐसी है तो निश्चित तौर पर हमको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। जैसे कि जानकारी दी गई कि उप मुख्यमंत्री ने मना किया है कि अंदर कोई नहीं जा सकता स्कूल के अंदर, और प्रिंसिपल वहां मौजूद नहीं है क्योंकि वो इलेक्शन ड्यूटी पर हैं। बच्चों ने जरूर कहा कि हाँ स्कूल बिल्डिंग डेंजरस है। तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो दावे कर रही है हकीकत उससे परे है? देखिए, जब मैं उस बिल्डिंग के बाहर तक जो मुझे जानकारी थी, जब मैं अंदर गया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि जब मैं अंदर गया तो मुझे एक बच्चे ने कहा कि हम जोर से जय हिंद नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जब जय हिंद बोलते हैं तो पैर नीचे मारते हैं। तो टीचर ने मना किया है जय हिंद बोलते हुए पैर नीचे नहीं मारना जमीन पर, सबने अगर पैर मार दिया तो बिल्डिंग गिर जाएगी। एक बच्चे ने कहा हमारी, जब से इस बिल्डिंग में हम पढ़ रहे हैं, हमारी डांस की क्लास को ख़त्म कर दिया। तो उन्होंने कहा कि क्यों खत्म कर दिया? टीचर ने कहा अगर डांस करोगे, उछलोगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। आपके वो वीडियोस तो हमने देखे, लेकिन मनीष सिसोदिया उसके बाद सामने आते हैं, वो कहते हैं कि कई आपके सांसदों ने तो लोगों को गुमराह करने का काम किया है, जो स्कूल बंद हो गए हैं उनको भी ये शूट किया है, और बाकायदा उन्होंने जो है प्रेस में आकर बयान दिया, बाकायदा वीडियो रिलीज किए हैं आम आदमी पार्टी सरकार ने। देखिए, मैंने तो मनीष सिसोदिया जी को कहा था कि वो मेरे साथ चलें, मैं उनको, वो एक स्कूल में नहीं, मेरे स्कूल में 100 स्कूलों में चले, मेरी लोकसभा में मैं उनको 100 स्कूलों में लेके चलता हूँ, रोज़ लेके चलता हूँ, और सारी मीडिया चले, वो अपनी सच्चाई देखें। जब मैंने उनको बुलावा किया कि आप आइए, तो वो आए नहीं। मैं अकेला तो गया नहीं, मेरे साथ में बहुत सारे चैनल्स भी थे, मीडिया भी थी, और मैंने सब कुछ जो वहाँ के बच्चों ने बोला, जो आम आदमी पार्टी के मैनेजर ने बोला, जो वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला, जो वहाँ का PWD का लेटर बोल रहा था, वो सब मैंने दिखाया।
तो मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोला, जो वहाँ पे सच्चाई थी वो सारी कैमरे के सामने आई थी। सबके बीच में आपने कहा कि ये मीडिया शाहीनबाग का दिखा रही है, तो कल एबीपी न्यूज की टीम भी वहाँ पर पहुंची है, जो ये कहा जा रहा था कि ये नहीं पहुंच पा रहा, कोई किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, तो एबीपी न्यूज की जब टीम वहाँ पर पहुंची है तो ये आपको दिखाना भी चाहूंगा। तो वहाँ पर जो महिलाएं थी या लोग थे, उनका ये कहना है कि हमको बदनाम किया जा रहा है और हम किसी को आने से यहाँ रोक नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर जो बूढ़ी महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं या जो भी लोग बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारे खिलाफ जो कानून अगर सरकार ला रही है वो ना लाए। अरविंद केजरीवाल को शर्म नहीं आती है कि उसकी माताएं वहाँ बैठी हुई हैं, उसके बच्चे समान वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो दिल्ली में झूठा प्रचार कर रहा है? उसको शर्म नहीं आती? वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। मैं मुख्यमंत्री होता, मैं तुरंत वहाँ पर जाके उनसे बात करता। 80-80 साल की महिलाएं अभी आपने दिखाई, वो वहाँ बैठी हुई हैं इतनी ठंड में, मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने एसी के कमरे में वहाँ पे हीटर चलाकर सोता है, उसको शर्म नहीं आती? उसको नींद कैसे आ जाती है? मैं तो ये बात नहीं समझ पाता। केवल एबीपी की टीम वहाँ पे गई, बहुत सारे चैनल वहाँ पे गए, किसी को जाने नहीं दिया। आप लोग वहाँ गए, ये जो इन सारी माताओं को गुमराह किया जा रहा है, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है सीए अगर आ गया तो तुमको भगा दिया जाएगा, सीए अगर आ गया तुमको कैंप में डाल दिया जाएगा, जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ऐसा कोई बिल नहीं आया, किसी बिल में हमारे सीए एक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि किसी जो भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता छीनी जाएगी, उसको निकाला जाएगा, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों भड़काता है? और जब वो जो है मुख्यमंत्री हमारे, चलिए तो ये दिल्ली का चुनाव है जहां दिल्ली के सारे मुद्दे जो हैं वो पीछे छूट चुके हैं और सिर्फ शाहीनबाग की रट हर नेता की जबान पर है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं। प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।